नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को और दवा कंपनियों शोषण के विरुद्ध बुधवार को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्ग हड़ताल पर रहा। कुंवर सिंह उद्यान में लामबा सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी आवाज को बुलंद किया, विभिन्न मांगों को लेकर बैठक कर अपने शोषण के खिलाफ रणनीति तय की। पीड़ित MR ने कहा कि सरकार की दमनकारी मजदूर विरोधी नीतियों के कारण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मिले कानूनी को सरकार समाप्त कर रही है, जिसके कारण कंपनियां मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बना रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की निगरानी की जा रही है व अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण अब तक नई कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आत्महत्या कर चुके हैं। काम के घंटे का कोई समय नहीं है। भारत सरकार को गलत नीतियों के कारण दवाओं के दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जीवन रक्षक दवाएं आम जनता की पहुंच से बाहर है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जहां जेनरिक दवा का मूल्य 20 रुपया और MRP 200 रुपया है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आइए सुनते हैं UPMSR के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुभाष सिंह व इकाई अध्यक्ष प्रशांत सिंह ने क्या जानकारी दी। आज हमारी जो मांगे हैं, हम लोगों को शोषण किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, हर तरह से शोषण किया जा रहा है। हम लोग एक बीच की कड़ी है। हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं। इसमें हमारे SP एक्ट को खत्म किया जा रहा है, उसको सुरक्षित रखा जाए। दिन प्रतिदिन जो शोषण किया जा रहा है, GST हटाई जाए दवाओं के दाम से। उसके अलावा हमारे कुछ कॉमरेड सुसाइड कर रहे हैं, उस पर अनिश्चित प्रेशर है। कंपनियों का बार बार दबाव आ रहा है, ट्रांसफर किए जा रहे हैं, विक्टिमाइज किए जा रहे हैं। इन सब इशू को हमारे खत्म किया जाए, हमारी जो प्रमुख मांग है, इसी को लेकर हम ऑल इंडिया हड़ताल पर हैं। हमारी जो संगठन इकाई है FMRI, उसके तहत तत्वाधान में हम लोग आज पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल पर हैं। यही मेरी सरकार से मांगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक पेंटर मजदूर काम करता तो उसका भी एक टाइम होता है 10 से 5, लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं है। हम रात के 12 बजे तक चक्की में पीसते रहते हैं, जब तक हम काल न करा दें। ये हमारे लिए बहुत शोषण की बात है। हमारा न समय तय है, न कोई हमारा घंटा तय है काम करने का, न कोई पैसा तय है, कुछ नहीं तय है। बजट के लिए क्योंकि कंपनियां देखिए लाखों करोड़ों में खेलती है, करोड़ों में कोई भी कंपनी होगी, लेकिन हमारे लिए मिनिमम वेतन तय किया गया है। जो हमारे मिनिमम वेतन है, उसी में हमको अपना भरण पोषण करना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ देखना है। हमारी जो मुख्य संस्था है FMRI, उनके काल पे आज ऑल इंडिया स्ट्राइक है। हमारी मांगे जो हैं वो आप देखिए बैनर पर लिखा हुआ, हमारी 4-5 मांगे हैं, उसके तहत हम लोग आज स्ट्राइक पे हैं। होल डे कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेगा। सरकार हमारी मांगों को मान रही नहीं है। मजदूरों के साथ रोज जास्ती हो रही है, रोज जॉब से निकाले जा रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने आज हड़ताल किया हुआ है। दवाओं के दाम को कम करना हमारी मुख्य मांगों में से एक ये भी है कि दवा का दाम कम किया जाए, ताकि आम जनता उसे ले सके। अनइथिकल प्रेशर जो पड़ रहा है, उसके लिए भी हम लोग आज हड़ताल पे हैं। कितने हमारे साथी सुसाइड कर ले रहे हैं, ये सब सारी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। उस विकल्प को देखते हुए आज हम लोगों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया। ये हमारी मजबूरी का रास्ता था। हड़ताल तभी करता है आदमी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, और आज हम लोग हड़ताल पे हैं। यही नहीं, पूरे देश में आज के दिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं कर रहा। सरकार को यह बताना चाहता है कि आप अनइथिकल प्रैक्टिस को बंद करो, दवाओं को जो डॉक्टरों को पैसा देके प्रमोट किया जा रहा है उसको बंद करो, दवाओं होलसेल रिटेल के बीच की जो मार्जिन रखे हो उसको कम करो, और मजदूरों का जो आर्थिक शोषण कर रहे हो उसको कम करो। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। Thank you.
आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।